तो फाइनली पहले मुंबई कर निखिल, दूसरे कौन से यूट्यूबर से मिला था मैं यहाँ पे, बीबी के वाइंस और अब गौरव तनेजा। हाय सर, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। आपका चैनल का नाम क्या है सर? तुषार बरेजा। बाय मम्मी। बहुत गर्म है। गियर बदलने वाले शॉट के टाइम थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, पर बच गया। थोड़ा ध्यान से करनी पड़ी व्लॉगिंग, क्या है ना काफी टाइम हो गया। फिर से रुक के ही बात करता हूँ मैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय तुषार बरेजा। सो भाई साहब, कहाँ हो, इतने दिनों बाद आ रहे हो आप, क्या सीन है? तो बताता हूँ क्या सीन है। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी दाढ़ी कट, थोड़ी नहीं बहुत सारी कटवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत गंदी लग रही है और 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो थोड़ा अच्छा दिखना भी जरूरी है। होने नहीं अभी टाइम है, पर चलो कटवा ही लेते हैं दाढ़ी। बड़ा लेम था यार, बनने दो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, गाड़ी लोग गार्ड्स पीछे से बूट चेक करते हैं। अगर किसी को कुछ सामान रखना होगा तो बीच में भी रख लेगा, ग्लव बॉक्स में भी रख लेगा, सीट के नीचे रख लेगा, बूट स्पेस ही क्यों? और सामान से मेरा मतलब है वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, क्या वर्ड था यार वो, छोड़ो समझ गए ना। मॉल चलते हैं, एम्बियंस मॉल। इसको डस्टबिन में फेंक, मैं नहीं फेंक रहा। अबे गाड़ी में मत रख, स्मेल हो जाएगी, गाड़ी में मत रख। तू लेके चल, जाएगी गाड़ी में मत रख। मैं नहीं रख भाई, डस्टबिन में फेंक इसको भाई। एक तो खुद खाते हैं और हमें फेंकने को बोलते हैं, मैं क्यों फेंकूं, तूने खाया ना। और हाँ, फाइनली आफ्टर 2-3 मंथ्स हियर वी हैव शेर कपूर। शक्ल नहीं दिखा रही पर ये, अब इस केले को फेंक डस्टबिन में, मैं नहीं फेंकूंगा, तूने खाया है जी। लड़कों को ही फेंकना पड़ता है, क्या करें। फाइनली वी आर इनसाइड द मॉल। अभी फैन फेस्ट स्टार्ट होने में टाइम है, तो हम वहीं आए थे। हम कुछ नहीं खरीदते, कुछ खरीदना तेरे को नहीं। H&M आया, सीढ़ियाँ नहीं, मुझे शीशा दिखा रहा हूँ। H&M आया, देखते हैं कुछ खरीदते हैं। तो H&M से तो फ्री हो गए, कुछ लिया भी है नहीं, क्योंकि भाई का साइज़ थोड़ा बढ़ रहा है और उस शर्ट में साइज़ नहीं था, पसंद ही वो आई थी। अब हम चल रहे कुछ खाने, क्योंकि अगर हम लोग अभी फैन फेस्ट के लिए खड़े हो गए हम फिर एकदम से, मेरे कान में कुछ हुआ, तेरे को हुआ एकदम से मेरे कान में कुछ आवाज़ आई यार सुन करके, पता नहीं अभी तक है। पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फैन फेस्ट में खड़े होंगे, क्योंकि अगर अभी हम क्या खाएगी, नवरात्रि स्पेशल। खाना कैसा था इसका? फास्ट था, तो इसने ये लिए कच्चे आलू। कच्चे आलू नहीं बोलते इसको, आलू चाट बोलते जो कच्चे थे। बकवास। ये मैंने खाया, क्या था ये? ये था चिली पनीर विद फ्राइड राइस। ऊपर से खाने में बड़े अच्छे थे, आधे खाए बड़े अच्छे थे, उसके बाद इतने मतलब ऊपर ऊपर तक जब तक खाए थे बहुत टेस्टी थे, उसके बाद इतना ऑयली। हाउ आर यू? टायर्ड यार। आज क्यों आया है? फिर तुझे पता है क्यों आया हूँ? आज तो कोई आ ही नहीं रहा, हम तो मिल लिए भाई कल ही फ्लाइंग बीच से। अरे आपको बताया मैंने, फ्लाइंग बीच से कैरी मनाटी से मिल लिया मैं। आप कल की वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। सो वी ऑल बोला जाएगा। सो फाइनली पहले मुंबई करने खिल, दूसरे कौन से यूट्यूबर से मिला था मैं यहाँ पे, बीबी के वाइंस और अब गौरव तनेजा। हाय सर, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। आपका चैनल का नाम क्या है सर? तुषार बरेजा। तुषार बरेजा चैनल। मेरे 10,000 होने वाले हैं। अरे क्या बात है, बधाई हो आपको। 10,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। यस सर, क्योंकि 10,000 के बाद
ये आपको समझ में आता कि मुझे छोड़ना नहीं है, अब मैं कर सकता हूँ। 10,000 के बाद अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, उसको सही करो, क्योंकि 10,000 पहुंच गए ना, दैट इज अ वेरी बिग माइलस्टोन इन यूट्यूब। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्विट कर दूं, मतलब ऐसी वाइब्स आती है कि मैं छोड़ दूं। आई मेड 80 व्लॉग्स इतने बने, अभी 80 मैंने बनाया है सर। 40 व्लॉग्स सर, अभी कुछ ज्यादा मैं ऐसे डिप्रेशन, वो कंटेंट कौन सा फेज होता है उस फेज में चल रहा हूं, सबको आता है। तो डिप्रेशन वाली कोई तो बहुत छोटी चीज है लाइफ यार, इस चीज में मतलब डिप्रेशन आने वाली कोई बात, लोगों के साथ क्या क्या होता है लाइफ में, लोग फिर भी खुश रहते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है। कल को अगर माने तेरे को चैनल बंद करना पड़ गया तो क्या करेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा? दिस इज वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ यार, ठीक है, ये सब नहीं छोड़ना। तो गौरव भाई की बातों ने, मिस्टर मतलब फ्लाइंग बीस्ट की बातों ने दिल ले लिया, और इतना ही नहीं, वी इवन मेट कैरी मिनाटी एज वेल। वी कौन? मैं, प्रतीक एंड सहर। और खुशी हो गई, अभी और है, रुको। वी इवन मेट कोमल पांडे एज वेल। लाइक मैं उनको इतना फॉलो नहीं करता, पर देखा, इंस्पिरेशन है वो भी एक तरीके से लड़कियों के लिए, अच्छा लगा उनसे भी मिलके। और एक और बात बताता हूँ, मिस रितु राठी, गौरव तनेजा की वाइफ, शी वाज स्टैंडिंग वो उसके अंदर, वो बैक स्टेज, तो हमने उनको बोला मैम अ फोटो, सो शी वाज लाइक गिव मी 2 मिनट्स आई एम कमिंग। तो भीड़ अंदर घुस गई, फोटोज खिंचवा रही उनके साथ, हम लोग बाहर ही खड़े थे, वेट कर रहे थे, हमें है वेट करने की शक्ति, हम लोग वेट कर रहे थे। एंड वो 4-5 मिनट बाद इतनी स्वीटली आई एंड शी टोल्ड अस की आई एम सॉरी, वो अंदर भीड़ हो गई थी, आप लोगों ने देखा था, एंड दैट वॉज सो स्वीट ऑफ अ, मतलब मजा आ गया। लाइक यस, दे आर सो गुड। सारी कैरी मिनाटी के साथ, कोमल पांडे के साथ व्लॉग नहीं किया, पर मिले, 2 मिनट बात करी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फैन फेस्ट आज शुरू हुआ, पर हम उनसे कल ही मिल लिए। जेलस। अब जब ये फैन फेस्ट चल रहा था, हमने रियल सेट को देखा, और उतना ही नहीं, मैं खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, पीछे से एक बंदा आया, ही टैप्ड ऑन माय शोल्डर, ही आस्क्ड मी आर यू तुषार बरेजा। मतलब भाई साहब, पैसे पूरे हो गए मेरे, दिल से इतनी खुशी हुई ना। अब देखो सीन, देखो तो भाई साहब, यहाँ और है फैन फेस्ट, और मेरे को अपना एक सब्सक्राइबर मिला है जिंदगी में पहली बार, मेरा दिल सच्ची में बहुत ज्यादा खुश हुआ है, मेहनत मेरी वर्थ हो रही है। और भाई क्या नाम है आपका? भाई तो बस इन सब के बाद मैं घर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने रीजन इसलिए नहीं बताया कि मैं क्यों इतने दिनों बाद आ रहा हूँ ब्लॉग करने के लिए, बिकॉज मैंने बहुत कंटेंट दे दिया आज आप लोगों को, मैं थक गया हूँ, नहीं थका नहीं हूँ, मतलब कंटेंट बहुत सारा दे दिया, अब मैं बोलूंगा तो वो बोरिंग लगेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी, लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ, ठीक है? दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इतने सारे यूट्यूबर्स एक साथ, मतलब दिल खुश, और किसी ने मेरे को बोला। चलो भाई, ज़्यादा एक्टिंग हो रही है, मतलब इनर फीलिंग्स है, इमोशनल हूँ। देख लो, लड़का स्मॉल से मीडियम पे आ चुका है, ये देखो जिम जा रहा हूँ रेगुलर, नज़र मत लगाना।